महंगी गाड़ी से चलने वाले अखिलेश क्यों मेट्रो में पहुंचे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ लखनऊ मेट्रो में सफर करने पहुंचे। उन्होंने मुंशी पुलिया से लेकर एयरपोर्ट तक का सफर किया। इस दौरान अखिलेश के साथ सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान भी मौजूद रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि जो काम कभी शुरू किया था और जिसका शिलान्यास भी किया था और आज वो लखनऊ शहर में सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है समाजवादी सरकार की। और वो दिन जब शुरुआत की थी इस मेट्रो की, आदरणीय आजम खान साहब बैठे थे, मैं था, नेताजी थे, अहमद हसन साहब थे, हमारे बच्चे थे, डिम्पल थे, और आज फिर जब पूरी हो गई है तो आज फिर हम लोग चले हैं, मौका मिला है। ये लखनऊ शहर के लिए, लखनऊ वासियों के लिए, राजधानी के लिए, आम लोगों के लिए एक सुविधा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेफ है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो देने का काम समाजवादी सरकार ने किया है। और हमें उम्मीद है कि जो सरकार आज है इस काम को और आगे बढ़ाएगी। अभी तो दूसरे हिस्से में शुरू ही नहीं किया। अगर समाजवादी सरकार होती तो कम से कम दूसरे हिस्से का भी टेंडर हो गया होता, काम शुरू हो गया होता। लेकिन ये सरकार तो जांच में फंसी हुई है, जांच के बाद जांच, तोड़फोड़ में उर्दू का दरवाज़ा कैसे गिर जाए। एक तरफ तो उर्दू दरवाज़ा गिरा रहे हैं, वो हमारी संस्कृति का है, एक पहचान है हमारी। और मैंने उस दिन भी कहा था ये दिल वालों की भाषा है। और जब नारे की ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को तो उर्दू का सहारा क्यों लिया? अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो जो नारा लगा रहे हैं दिल्ली वाले, कम से कम उस नारे को रोक करके तो दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।